हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुंजा क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सभी रोग एंड बीमारियों के नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जैसे बुखार, जुखाम, उल्टी, सूजन, सिरदर्द इत्यादि। पर जानने से पहले, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिए, और अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है बुखार। बुखार को इंग्लिश में फीवर कहते हैं। नेक्स्ट है खांसना। खांसना को इंग्लिश में कफ कहते हैं। नेक्स्ट है जुखाम। जुखाम को इंग्लिश में कोल्ड कहते हैं। नेक्स्ट है छींकना। छींकना को इंग्लिश में स्नीज कहते हैं। नेक्स्ट है उल्टी। उल्टी को इंग्लिश में वोमिट कहते हैं। नेक्स्ट है सूजन। सूजन को इंग्लिश में स्वेलिंग कहते हैं। नेक्स्ट है खून बहना। खून बहना को इंग्लिश में ब्लीडिंग कहते हैं। नेक्स्ट है खुजली। खुजली को इंग्लिश में इचिंग कहते हैं। नेक्स्ट है मोच। मोच को इंग्लिश में स्प्रेन्स कहते हैं। नेक्स्ट है घाव। घाव को इंग्लिश में गैस कहते हैं। नेक्स्ट है चोट। चोट को इंग्लिश में इंजरी कहते हैं। नेक्स्ट है छाले। छाले को इंग्लिश में अल्सर कहते हैं। नेक्स्ट है फुंसी। फुंसी को इंग्लिश में पिंपल कहते हैं। नेक्स्ट है घमौरिया। घमौरिया को इंग्लिश में प्रिकली हीट कहते हैं। नेक्स्ट है तनाव। तनाव को इंग्लिश में स्ट्रेस कहते हैं। नेक्स्ट है चक्कर आना। चक्कर आना को इंग्लिश में डिजीनेस कहते हैं। नेक्स्ट है डेंगू। डेंगू को इंग्लिश में डेंगू कहते हैं। नेक्स्ट है खून की कमी। खून की कमी को इंग्लिश में एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट है चिढ़ाना या गुस्सा दिलाना। चिढ़ाना या गुस्सा दिलाना को इंग्लिश में इरिटेशन कहते हैं। नेक्स्ट है दस्त। दस्त को इंग्लिश में डायरिया कहते हैं। नेक्स्ट है दर्द। दर्द को इंग्लिश में पेन कहते हैं। नेक्स्ट है पीठ दर्द। पीठ दर्द को इंग्लिश में बैकेच कहते हैं। नेक्स्ट है गले में खराश। गले में खराश को इंग्लिश में सोरे थ्रोट कहते हैं। नेक्स्ट है सिर दर्द। सिर दर्द को इंग्लिश में हेडेच कहते हैं। नेक्स्ट है पेट दर्द। पेट दर्द को इंग्लिश में स्टमच कहते हैं। नेक्स्ट है गले में दर्द। गले में दर्द को इंग्लिश में थ्रोटच कहते हैं। नेक्स्ट है दांतों का दर्द। दांतों का दर्द को इंग्लिश में टूथच कहते हैं। नेक्स्ट है दस्त। दस्त को इंग्लिश में लूज मोशन कहते हैं। नेक्स्ट है हैजा। हैजा को इंग्लिश में कोलेड़ा कहते हैं। नेक्स्ट है पाचन। पाचन को इंग्लिश में डाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है दम्मा। दम्मा को इंग्लिश में अस्थमा कहते हैं। नेक्स्ट है अम्लपित्त। अम्लपित्त को इंग्लिश में एसिडिटी कहते हैं। नेक्स्ट है मधुमेह या सुगर। मधुमेह या सुगर को इंग्लिश में डायबिटीज कहते हैं। नेक्स्ट है मिर्गी। मिर्गी को इंग्लिश में एपिलेप्सी कहते हैं। नेक्स्ट है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद को इंग्लिश में ग्लूकोमा कहते हैं। नेक्स्ट है गठिया। गठिया को इंग्लिश में गाउट कहते हैं। नेक्स्ट है घेघा। घेघा को इंग्लिश में गोइटर कहते हैं। नेक्स्ट है पीलिया। पीलिया को इंग्लिश में ज्वाइंटिस कहते हैं। नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया को इंग्लिश में मलेरिया कहते हैं। नेक्स्ट है दिल का दौरा। दिल का दौरा को इंग्लिश में हार्ट अटैक कहते हैं। नेक्स्ट है लकवा। लकवा को इंग्लिश में पैरालिसिस कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपने फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।